किसने पूछा कि रब और गुरु विच की फर्क है, रब बनाने का की फायदा है और गुरु नूं मनन का की फायदा है। तो मैं मेरे पिता जी कहते हैं कि औरंगजेब ने भी ना एक मुरशद बनाया सी जिदी गल मनदा सी, भावें वह किवें दा भी सी पर उन्हें भी एक मुरशद बनाया सी। ते ठंड का टाइम सी ते कहिंदा बाबा कपड़े पा लै ठंड लग जाएगी, इज्जत बहुत करता सी औरंगजेब उन्हां दी। ते एक दिन औरंगजेब बैठे सी ते कहिंदा मुरशद जी बाबा जी कपड़े पा लो, हुण पीर फकीर मुरशद कपड़े पाए नहीं पाए, मूँह सवारिया नहीं सवारिया, अपनी मस्ती विच बैठे ने। ते मुरशद जी कहिंदे ने औरंगजेब तैनू नंगा बैठा इन्ना ही बुरा लग रहा, तो वह मेरी लोई पई है, वह लोई चुक के मेरे ते दे दे। हुण औरंगजेब कहिंदा कि चलो मुरशद है मेरा, मैं आप उठ के आ जाना, मैं आ जाना। संगत जी औरंगजेब अपने सिंघासन तो आप उठा, आप चल के आया, काले रंग की लोई जिवें ही चकन लगा। अपनी जिंदगी विच औरंगजेब ने जिन्हें सिर वड्डे से ना सारे थले पे से डर के लोई सुट दी, डर के लोई सुट दी। मुरशद जी कहते ने औरंगजेब हुण ऐ दस, मैं अपना जिसम ढका कि तेरे गुनाह ढका। ते साडे गुरु पीर फकीरां दा काम यही है, जदों असीं जावांगे ना उस दे दरबार, उत्थे अमलां दे होणे दे नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। ते जदों साडा हिसाब होएगा ना ते साडी हिम्मत नहीं है कि उस परमात्मा नूं ऐ कह सकीए कि गलत है ते की सही है। वह कहेगा तू गलत है ते गलत आ, वह कहेगा तू सही है ते सही आ। साडा गुरु साडा मुरशद अगे आएगा कि नहीं मेरा बच्चा एवें दा नहीं है, कुछ वक्त दे नाल नाल गलतियां हो गईयां होंगी। मेरी मुस्कान पिछे जो दर्द छुपे ने मैं जाना या वाहे गुरु, मुस्कान पिछे जो दर्द छुपे। आजो खुशी टीवी इटली वाले भी अपने विच पहुंच चुके हैं, आजो आजो नचिए गज के किते पिछे ना रह जाइए।